Hi guys, good evening. Kaise aap log? My name is Narendra Kumar and this is our channel Unacademy Students World. Happy New Year to all of you. All the best. Naya saal hai, new energy, new hope, new plans. Okay. And every passing year, hume kuch na kuch sikha ke jata hai. Hum thoda sa bade ho jate hai. And experiences humko mil jate hai. To unse seekho, kitne exam diye the. Life ke experience baad mein count karenge. Pehle apne अपना करियर वाले एक्सपीरियंसेस की बात कर लेते, कितने एग्ज़ाम दिए, कितना मैं सीखा, कितना पढ़ा था, ऐसा गलती क्या हुआ था, ये गलती हुआ था मेरे से, मैंने ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ा था, इतने मार्क्स आए थे, ये सब एनालिसिस करो और नई होप के साथ में सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगा मैं. ऑलराइट, अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा टीवी देखते हो तो उसे कम करो, बहुत ज़्यादा यूट्यूब करते हो उसे कम करो. ठीक, तो कुछ ना कुछ नया प्लानिंग बनाओ, नया एक्साइटमेंट शो करो. हर किसी की लाइफ में चेंज आता है. हाँ, स्लो आता है, फास्ट आता है, डिपेंड करता है हमारे कमिटमेंट लेवल पे. ठीक है, तो कोई लक नहीं है, कोई भगवान बैठ के आपके राशि नहीं सही कर रहा है. आप जिस दिन टेबल पर बैठ के 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हो और 6 महीने 1 साल तक लगातार पढ़ते हो, वही भगवान है, वही सच है. हार्ड वर्क इज़ द गॉड. ओके, मुझे आपके भगवान से कोई मना नहीं कर रहा, आप खूब पूजा पाठ करो, लेकिन अगर वो 12 घंटे बैठ के टेबल पर पढ़ नहीं रहे हो, टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो, न्यूज़पेपर नहीं लगा रहे हो, तो फिर कोई भगवान आपकी हेल्प नहीं कर सकता है. ठीक है, सो ऑल द बेस्ट. एंड जो लोग पढ़ते रहते हैं, आप कभी सैड मत होना. एक सीक्रेट बताता हूँ, जो पढ़ते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, नोट्स बनाते हैं, दुनिया भर के चैनल यूट्यूब फॉलो करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पूरा कोर्स पढ़ते हैं, समझ के टेस्ट सीरीज लगाते हैं, उनके मार्क्स ज़रूर बढ़ते हैं और उनका सिलेक्शन ज़रूर होता है. ठीक है, सो बी दैट पर्सन. कभी सेल्फ डाउट पे मत आना. आपसे कोई डाउट करता है उसे बात मत करना, कोई भी हो. आज अकेले हो जाओगे, कोई बात नहीं, 6 महीने 2 साल के लिए, उसके बाद सब आपके पास आ जाएंगे. ठीक, चलो हिम्मत रखो, वन मैन आर्मी बन जाओ. ऑल द बेस्ट. तो ये कि रिकॉर्डिंग सेशन है और इसमें आज मेरे पास में ये पार्ट 4 है, इसके पार्ट 3 मैंने करा दिया है. 31 दिसंबर को 12 बजे और रात को 9 बजे 2 वीडियो आए थे, इसी चैनल पर मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में. फिर आज दोपहर में 12 बजे की वीडियो आया था, उसमें न्यू पैटर्न था. अभी मेरे पास कुछ बचे हुए न्यू पैटर्न के और क्वेश्चंस हैं, तो एरर्स को अच्छे से समझो, हाउ आई प्ले विद द ऑप्शंस. राइट, लेट्स गो फॉर इट. एंड तो जो लोगों ने अभी तक अनअकैडमी आप डाउनलोड नहीं किया है, आप डाउनलोड करो. एंड जो लोगों ने अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लो 1 ईयर के लिए. और बहुत सारे एग्ज़ाम आएंगे, सारे एग्ज़ाम 1 साल तक देते रहो और किसी एक में सिलेक्शन हो जाएगा, निकल जाओ. ठीक, लेकिन गो फॉर 1 ईयर, आपको सस्ता पड़ेगा. ऑलराइट, यू कैन यूज़ माय कूपन कोड नरिन लाइफ फॉर 10% डिस्काउंट. ऑलराइट गाइस, मेरा कोर्स चल रहा है वहाँ पे, उसे ज्वाइन करो, पढ़ो. न्यू ईयर वाला मतलब 26, ये 30 डेज में, मतलब जनवरी के पूरा मंथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, प्रैक्टिस भी, लेकिन फरवरी पूरा मंथ प्रैक्टिस होगा. तो अगर आप 1 महीने का लोगे तो फिर आप प्रिपरेशन पूरा नहीं हो पाएगा, इंट्रोडक्शन हो पाएगा, लेकिन 1 साल का ले लो तो जितना प्रैक्टिस करना है, जब तक परफेक्शन नहीं आ जाता है, टच में बने रहो. ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट गाइस. फर्स्ट क्वेश्चन, अब इसको पढ़ो, डायरेक्शन देखो इसकी क्या है. एवरीवन, डायरेक्शन ये है कि देखो, ये फर्स्ट दिख रहा है, सेकेंड दिख रहा है आपको, यस, ए बी सी डी ई. If there is an error only in the first sentence, अगर first sentence में error है तो क्या choose करना है, A. अगर second वाले sentence में, statement में अगर error है तो क्या choose करो, B. अगर दोनों में error है तो क्या choose करो, A भी, first second दोनों ही गलत है तो क्या choose करना है, C. If there is no error, ना तो इसमें error है ना तो इसमें error है, तो हमें क्या choose करना है, D. समझ गया, चलो नाउ गो फॉर इट एवरीवन. एक छोटा सा वीडियो होगा ये वाला. ऑलराइट, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइक शेयर कर देना. नाउ लेट्स गो फॉर इट क्विकली. द म्यूजिशियन रिसीव्ड, ऑलराइट, अ स्टैंडिंग ओवेशन बाय द ऑडियंस. ओके, मैनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस कम फॉरवर्ड टू हेल्प द फ्लड विक्टिम्स. ओके, चलो, आई विल बी लाइव इन द कमेंट सेक्शन. तो इसके आंसर्स लिखो सब लोग, और जितने ग्रुप्स हैं हर जगह इसको शेयर कर देना. अपने आप पढ़ लिया सबने, आओ. द म्यूजिशियंस, म्यूजिशियन एक बंदा है, एआर रहमान साहब, ठीक है, रिसीव्ड व्हाट, अ स्टैंडिंग ओवेशन फ्रॉम द ऑडियंस. समझ गया स्टोरी. चलो, तो ये क्या होगा यहाँ पे, बाय की जगह फ्रॉम होगा.
from his current position, standing ovation from. Many voluntary organization came होगा, C A M E होगा, clear हो गया? Came, past tense, came forward to help the flood victims. Flood victims, बाढ़ आया, उसके victims हो गए, मतलब उसके लिए पीड़ित लोग हो गए, तो past tense की बात है, तो came होगा. तो कौन सा आंसर हुआ? C वाला. दोनों में error निकला. First गलत, second गलत. C is answer. Next देखो. My friend dropped in at my place to pass some time with me. बताओ गाइस कौन सा करेक्ट होगा इसमें से. एनीवन? सबने ट्राई कर लिया. ओके स्टॉप नाउ. अब चलो चेक करते हैं. माय फ्रेंड ड्रॉप्ड इन एट माय प्लेस. तो देखो जब शॉर्ट विजिट के लिए कोई आता है ठीक है ना, तो ड्रॉप इन. ऑलराइट माय प्लेस टू पास सम टाइम विद मी. ओके अब कौन सा वाला पार्ट सही हो सकता है, चेक करो सब लोग. कौन से पार्ट में मिस्टेक मिल रही है आपको? मिस्टेक है या है भी नहीं यहाँ पे? ठीक है तो टू पास सम टाइम नहीं होता, टू स्पेंड टाइम, स्पेंड टाइम विद मी. तो स्पेंड इज करेक्ट वर्ब है, पास नहीं होगा. ओके व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम? पी एस टी आई एम ई, वो अलग है. आप अपना खाली टाइम में आप क्या करते हैं उसको पूछ रहे थे. व्हाट इज योर यू नो फेवरेट पास टाइम? लेकिन ये वाला पास सम टाइम गलत है. हमें क्या चाहिए? स्पेंड चाहिए. तो फर्स्ट गलत हो गया, ये तो सही है हमारा. द आर्टिस्ट रिगेल्ड. अब सुनो आर ई जी ए एल ई रिगेल विद, फ्रेजल वर्ब है और रिगेल विद मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना. तो ऑडियंस एकदम मंत्रमुग्ध हो गया, ऑडियंस को बहुत अच्छा फील हुआ ठीक है ना. तो द आर्टिस्ट रिगेल्ड द ऑडियंस विद देयर लाइवली परफॉर्मेंस. द आर्टिस्ट प्लूरल रिगेल्ड द ऑडियंस विद, इसकी जगह विद जाएगा. दोनों ही गलत निकला ये भी. तो इसका भी आंसर कौन सा गया? सी वाला. ये आपको नया इन्फॉर्मेशन पता चला, सबको लिख लो. रिगेल विद ऑडियंस को बहुत इंप्रेस कर दिया, इंटरटेन कर दिया. चलो ये भी गलत है और ये भी गलत है, यहाँ पे स्पेंड जाएगा. नेक्स्ट वी इंजॉयड वेरी मच एट द पिकनिक. ही वॉज सीवरली पनिश्ड फॉर हिज इम्पेशेंट बिहेवियर. देखो जब भी कोई वर्ब हो तो वाटर होम पूछा करो. मैंने वाटर होम कितने लोगों को बताया, रेज योर हैंड जिनको याद आता है, हर रोज याद करो. वी इंजॉयड व्हाट? वेरी मच व्हाट का आंसर तो नहीं है. वी इंजॉयड होम, नॉट क्लियर किसको इंजॉय किया हमने. इसका मतलब है कि ये इनकम्प्लीट है. दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए. अब ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा. We enjoyed ourselves. We enjoyed whom? Ourselves. Where? ठीक है ना, ठीक है. How much? Very much. ठीक है ना, at the picnic. Where? तो फिर बाकी आंसर्स आएंगे. हमेशा वर्ब से what or whom पूछा करो. मैंने आपको ट्रेनिंग दिया हुआ है. जिनको नहीं पता है, 12 बजे द हिंदू का क्लास होता है ठीक है, तो आप लाइव जरूर आया करो द हिंदू एनालिसिस क्लास ग्रामर के लिए. तो ये तो गलत हो गया. सेकंड, ही वॉज सीवरली पनिश्ड. ही वॉज पनिश्ड सीवरली, तो करेक्ट आ रहा है. फॉर हिज इम्पेशेंट बिहेवियर, करेक्ट. तो ओनली फर्स्ट में एरर है, सेकंड. चलो नेक्स्ट देखो.
पकड़ लिया सबने। देखो बहुत बेसिक एरर है ये वाला, सब लोग देखो, द बॉलिंग बेबी, रोता हुआ बच्चा, ठीक है ना, वॉज रॉक्ड टू स्लीप, फ्रेजल वर्ब है, मतलब उसको जैसे कि याद है कि जब छोटा हुआ बच्चा होता है अगर पालने में या किसी में, तो उसको हिला हिला करके ऐसे 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 करके सुला देते हैं, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रॉक्ड टू स्लीप बाई इट्स मदर। और बच्चे के लिए इट्स क्यों आया हुआ है, न्यूट्रजेंडर, छोटे बच्चे होते हैं या फिर छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उनके लिए न्यूट्रजेंडर आता है। चलो करेक्ट, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ऑन होता है याद रखो, ये बचपन की एरर है, बहुत पुरानी एरर है, घिसीपिटी एरर है, हर एग्जामिनर इसको पूछ चुका है हजारों बार। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद में ऑन आता है हमेशा, ये गलत है, तो बी इज करेक्ट आंसर, देयर इज अ एरर ओनली इन सेकंड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट गाइस, ओके पढ़ लिया सबने, गाइस लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ में। ऑलराइट, आओ चेक करते हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम में, अच्छा, या फिर प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स, चलो चेक करते हैं, ऑल द पार्टिसिपेंट इन द प्रोग्राम वर प्रेजेंटेड मोमेंटस। अब सुनो सुनो सुनो, ऑल द पार्टिसिपेंट इन द प्रोग्राम, देखो प्रोग्राम में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ऑफ आएगा यहाँ पे, द ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जैसे 15 बच्चे हैं और वो कोई प्रोग्राम चल रहा है, डांस प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन है, ऑफ द प्रोग्राम वर प्रेजेंटेड मोमेंटोस, उनको मोमेंटोस दिए गए थे, ठीक है। ऑलराइट, अ वार्म वेलकम वाज अकॉर्डिंग टू मतलब गिवन, ओके ग्रांटेड, ठीक है ना, जी आर ए एन टी डी, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, अकॉर्डेड टू, टू फॉलो, अकॉर्ड फॉलोड बाई टू, टू द विजिटिंग डिग्नेटरीज, ये करेक्ट है, तो ओनली फर्स्ट में एरर है, सेकेंड इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट में एरर था। चलो ये हमने क्वेश्चन किए, कुछ और क्वेश्चन करते हैं, आओ। तो एक छोटा सा वीडियो है गाइज, इसको शेयर लाइक कर देना हर किसी के साथ, और डायरेक्शन पढ़ते हैं, आओ, देर आर थ्री स्टेटमेंट्स, वन टू थ्री given in each question, find the sentence which are grammatically correct and mark your answer choosing the best possible alternative. कौन सा वाला correct है इसमें से, ढूंढो सब लोग, गलती निकालो, ठीक है, एक दो तीन, बताओ कौन सा वाला इसमें से सही है, सही वाला combination यहाँ से choose करना है आपको। आओ साथ में चलते हैं, द फॉल इन द इंडियन रुपी इज, फॉल सिंगुलर, इज द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर, ठीक है, द सिंगल लार्जेस्ट फैक्टर अफेक्टिंग, अफेक्टिंग वर्ब फॉर्म, करेक्ट, व्हाट फॉरेन फ्लोज इन इंडियन मार्केट, चलो ये तो करेक्ट जा रहा है, अल्फोंसो एक्सपोर्टर सैड, आम मैंगो की ब्रीड होती है, अल्फोंसो एक्सपोर्टर सैड द टैग विल हेल्प स्टेब्लिश, ठीक है ना, और हेल्प भी बनाएगा, विल हेल्प, ठीक है ना, स्टेब्लिश अ सेपरेट मार्केट फॉर द फ्रूट इन द फ्यूचर, ये भी करेक्ट है, द इंक्रीज इन MSP फॉर रबी क्रॉप्स कम्स, इंक्रीज कम्स करेक्ट है, जस्ट अहेड ऑफ द RBI मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट देखो, और प्रैक्टिस करो, आओ नेक्स्ट देखते हैं, साथ में करें, कार्डमम इज ग्रोन बाय स्मॉल फार्मर्स एंड इट इज अ प्लांट दैट कैन नॉट टेक वाटर स्टैग्नेशन, ओके, आप लोग पहले क्विकली आंसर कर दो फिर मैं आपको बताता हूं, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ एस्पिरेशंस,
among the community practicing shifting cultivation. अब देखो ये among the community होगा या communities होगा, पहले तो आप ये चेक कर लो. CUMMUNITIES among the community practicing shifting cultivation. सिंपल. हाँ ओके, ये तो गलत हो गया. थर्ड वाला देखो, अ फेलियर टू पुट द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस कुड प्रूव एक्सपेंसन और नहीं कुड प्रूव एक्सपेंसिव. EXPENSIVE. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई फेलियर हो गया किसी चीज़ का तो वो क्या प्रूव हो सकती है? एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कीमती प्रूव हो सकती है वो फेलियर, एक्सपेंसन नहीं होगा. तो ये भी गलत है. तो सही कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला सही है. नेक्स्ट, सब लोग पढ़ो क्विकली. Jesse had mockingly pointed out all of Nancy's faults in front of everyone. ठीक है, publicly degrading. Okay, degraded होगा. D past tense. GRADED. Degraded the poor girl. ये had लिखा ना इसीलिए. सेकेंड देखो, टेस्ट डे कैन बी वन ऑफ प्योर एप्रीहेंशंस. देखो, वन ऑफ फॉलोड बाय प्लूरल. एप्रीहेंशंस मीन डर, एज मेनी स्टूडेंट्स वरीड अबाउट देयर टेस्ट सीरीज स्कोर्स. ये भी गलत हो गया. थर्ड देखते हैं, इन द साइंसेस इवन क्वेश्चनेबल एग्जांपल्स ऑफ रिसर्च फ्रॉड आर हार्शली पनिश्ड. ठीक है, चेक करो. ये वाला करेक्ट है. इन द साइंसेस डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है ना, ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो अलग अलग ब्रांच होती है, साइंसेस, कई तरह की साइंसेस होती है हमारी, तो उनके लिए यूज हुआ है. साइंस जनरल टर्म, साइंसेस डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. ठीक, ये वाला करेक्ट है. तो कौन सा करेक्ट है? थर्ड वाला. ये आंसर हो गया. नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग. ऑलराइट, साथ में चलते हैं. आओ, आयरिश कुजीन मेक्स ग्रेट यूज्ड, ग्रेट यूज्ड ऑफ, ग्रेट यूज ऑफ होगा पोटैटोज, बट आयरलैंड द पोटैटो इज नॉट एंडेमिक टू आयरलैंड. तो ठीक है ना, अ ग्रेट यूज ऑफ, ये करेक्ट होगा. यो गलत है. चलो आगे देखते हैं. वो आफ्टर द विजिट टीम स्कोर्ड 9 times. विजिट टीम नहीं होता, विजिटिंग टीम होता है. क्या होता है? जो टीम विजिटिंग कर रही होती है ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आया हुआ है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, विजिटिंग टीम. याद आ रहा है स्पोर्ट्स वाला? देखो आज नॉलेज काम आ गया. विजिटिंग टीम इसको 9 times. ये भी गलत है, ये भी गलत है. थर्ड नंबर देखो, मैनी फर्स्ट टाइम स्काई डाइवर्स से दैट डिस्क्राइबिंग द एक्टिंग what the acting of falling from the act of the act karo isko acting nahi hoga noun of noun the act of falling all right the act of falling the acting galat hai to actually tino hi galat ho gaye yahan pe visiting hoga yahan pe act hoga aur use nahi use hoga. None is correct. One last question, guys. मार्टिन लूथर किंग जूनियर वॉज अ टायरलेस, वॉज तो करेक्ट है, अ टायरलेस एडवोकेट, सपोर्टर एडवोकेट फॉर द राइट्स ओके ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन इन द, ये करेक्ट आंसर है. सेकंड देखो, माय लिटिल ब्रदर
is so malleable that easily change हो जाता है, malleable change, so malleable that. और देखो so और that के बीच में adjective आया हुआ है, मैंने पढ़ाया है आपको. So malleable that I can convince him to sneak cookies from the cupboard for me. मेरा छोटा भाई इतना ज़्यादा मतलब सीधा साधा है, malleable है, उसके बेवकूफ़ बना सकते हैं या फिर इजीली बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है कि मैं उसको बोल देता हूँ और वो मेरे लिए कुकीज़ लेके आ जाता है चुपचाप, स्नीक करके, छिप 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 के. चलो ये भी करेक्ट है. अब थर्ड वाला देखते हैं गाइस, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एंड ऑफ कोर्स हैप्पी न्यू ईयर. सिंस द पुलिस सर्जेंट हैड टू ट्रेन द पेयर ऑफ, ठीक है ना, द पेयर ऑफ न्यू हायर्स, ठीक है, द पेयर ऑफ न्यू हायर्स होगा कि अ पेयर ऑफ होगा, पहले तो इसको चेक करो फिर कुछ और देखते हैं. पेयर ऑफ न्यू हायर्स प्रोग्रेस इन हिज ओन केस बॉस, और अगर द पेयर होगा तो बॉस इम्पीडेड होना चाहिए, पास्ट टेंस, ये तो गलत होगा. फॉर फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, ये वाला बॉस इम्पीडेड गलत है, वहाँ पे अ पेयर होना चाहिए था. द पेयर ऑफ न्यू हायर्स, लेकिन अगर पर्टिकुलर ग्रुप का लोग है तो हम इसको द भी सही मान सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज देखा करो, ये तो पक्का गलत है, बॉस इम्पीडेड, ऑक्जिली प्लस बी थ्री. चलो आई होप यू एंजॉय द सेशन. ऑलराइट, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करो, डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप, एंड इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सबसे पढ़ो. मेरे कोर्सेज हैं वहाँ पे, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, करंट में चल भी रहा है SBI का फोकस्ड, उसको ज्वाइन करो, ठीक है, एंड ज्वाइन फॉर वन ईयर. और इंग्लिश सेक्शन का मैं गारंटी लेता हूँ आपको, ठीक है, न्यू ईयर है, नए जोश के साथ पढ़ो. राइटिंग टिप्स, लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको, इंटरव्यू का, GD का, ग्रुप एक्सरसाइज नाम की एक चीज़ होती है जो आपको पता भी नहीं होगा, वो मैं आपसे करवाऊंगा, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे. ऑलराइट, एंड टिप्स तो कम से कम बता ही सकते हैं. और उसके बाद प्री मेंस सब कुछ होगा, क्लर्क और PO, ठीक, कैट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि PO का प्रिपरेशन हो जाए. आ जाओ, तो नरेन लाइव कूपन कोड यूज़ करना एंड 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. ठीक है, नई जोश के साथ स्टार्ट हो जाओ. जिम जाने जैसा मत करना, 10 दिन के लिए हम लोग जाता है, उसके बाद टाइम टाइम फुस हो जाती है, ना हो. ये हमारे करियर का सवाल है, फिजिकल बॉडी तो चलो कर लेंगे लेकिन करियर दोबारा नहीं मिलेगा. ओके, ऑल द बेस्ट.